जीरो ओवर्स पर बोलने का अवसर प्रदान किया। सभापति महोदय, मेरा जो विषय है आज, देश के अंदर पांचवी अनुसूची के अंतर्गत आने वाले क्षेत्र, जैसे राजस्थान के अंदर हमारा अनुसूचित क्षेत्र, संविधान में प्रावधान है कि अनुसूचित क्षेत्र के अंदर नगर पालिका नगर निकाय का गठन नहीं हो सकता है जब तक कि सदन से मैसा कानून पास नहीं होता है। इसमें यह स्पष्ट प्रावधान कर रखा है कि भारत की संसद में अनुच्छेद 243 जेड सी के तहत अगर कानून पास नहीं होता है, इससे पहले अनुसूचित क्षेत्र के अंदर नगर पालिकाओं का गठन नहीं किया जा सकता है। लेकिन संविधान के विरोध में जाके राजस्थान के अंदर कोई भी सरकार रही हो, आदिवासी इलाके के अंदर नगर पालिकाओं का तेजी से गठन हो रहा है, जिससे वहां पर रहने वाला आदिवासी समुदाय, जिसका जमीन का रिकॉर्ड नहीं है, एससी समुदाय, अन्य गरीब तबके का समुदाय, जिनको विस्थापित किया जा रहा है इधर उधर, उनको जमीन के नाम से परेशान किया जा रहा है। तो माननीय सभापति महोदय, मेरा अनुरोध है कि नगर पालिका संविधान के विरोध में जाके अनुसूचित क्षेत्र में लागू की जा रही है, वहां पर ग्राम पंचायत बनी हुई है, पैसा एक्ट के तहत प्रावधान बना हुआ है, लेकिन जैसे नगर पालिका बनती है, माननीय सभापति महोदय एक मिनट में मैं क्लोज करूंगा, तो आसपास की ग्राम पंचायतें जो सरपंच पंचायती राज एक्ट है उसके तहत बिल्कुल खत्म हो जाता है और पेराफेरी का एरिया बढ़ाया जाता है, जैसे डूंगरपुर, बांसवाड़ा, हमारा सागवाड़ा। अंत में मेरे आपसे यही अनुरोध है कि केंद्र सरकार स्वयं संज्ञान लेकर अनुसूचित क्षेत्र में असंवैधानिक तरीके से नगर पालिका का जो गठन हो रहा है उसको रोका जाए, और जो एरिया विस्तार पेराफेरी के नाम से बढ़ाया जा रहा है, जिससे स्थानीय लोगों को परेशान किया जा रहा है, उस पर तुरंत संज्ञान लेकर इसको रोका जाए। धन्यवाद।